तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आ गए हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके। और आज के वीडियो में खासकर अल्टो VXi प्लस के बारे बताने वाले हैं। 2021 मॉडल का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, होप आपको पसंद आएगा और यूजफुल होगा आपके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और केबिन फिल्टर के बारे में बताते हैं आपको। अल्टो VXi प्लस का या अल्टो VXi का, LXi का जो नया मॉडल आ रहा है BS6 का, उसका भी सेम चीज़ है, तो आप सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं केबिन AC फिल्टर के बारे में, जो कि कंपनी फिटेड नहीं आता है। जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तब आपको इसके अंदर एक फिल्टर मिलता है, AC फिल्टर, जो कि कंपनी के साथ नहीं आता है, जगह बना रहता है बट उसमें आपको AC फिल्टर मिलता नहीं। आप सर्विस सेंटर जाओगे तो आपको वहाँ पे वो बोलेंगे कि आप लगवाना चाहते हो तो लगवा लो। तो सबसे पहले भाई, अगर फिल्टर साफ़ करना है आपको तो पहले आपको ये खोल लेना है। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस हल्का सा पुल करना है दोनों साइड से कुछ पुल करना है आपको। थोड़ा ज़ोर से दम लगाएं, ये आपका खुल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन आपका जो काम है, इसको पीछे रख देते हैं, गेट खोल देते हैं, यार थोड़ा लाइट है। तो ये जा देख सकते हो आप, ये रहा ब्लोअर का बना हुआ, ये इसके अंदर ब्लोअर है, स्पेस नहीं तो आपको दिखा सकते थे कैमरा अंदर करके। जब ये फ़ैन चलता है, एक बार चाबी देना धीरे, तो जो फ़ैन जो ये चलता है ना, उसका ब्लोअर इसके अंदर ही है, आप देख सकते हो। और आपको बताएं तो ये जो आप वेंट देख रहे हो, पाइप जो जा रहा है, वो AC का ही है, जो कि आपका तीनों वेंट जो यहाँ से यहाँ में जा रहा है तो इसी का है भाई। और आपको चलिए बताते हैं एयर फिल्टर कहाँ पर रहता है। तो आप देख सकते हो ये जो है ना, आपको ये आपका एयर फिल्टर है और इसे हमें निकालना है, बंद कर देना फिर। चलिए इसे सिंपली ऐसे करेंगे, ये खुल जाएगा भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप के साथ आप फॉलो करोगे। ये वाला ये जो क्लिप है, आपको बस हल्का प्रेस करना और खींचना है, ये अपने आप निकल जाएगा। इसे साइड करते हैं और ये आप नॉब देख रहे हो, इसी में फिटेड रहता है और ये क्लिप रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होगे, बाकी अब रुकिए एक मिनट, अब इसे खोल लिया जाए। सिंपली से आप खींच ले हल्का सा और ध्यान रखे कि ये अप होना चाहिए, मतलब जैसे इसमें बना हुआ है सेम उसी तरीके से आप लगाइएगा इसे फिर से। तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति है मेरे फिल्टर का, AC का। निकल जा, ओ भाई साहब, तो फाइनली AC का फिल्टर निकल गया और गंदा देखें आप कितना हो गया, बेंड भी हो गया बहुत जगह से साफ। तो भाई एयर प्रेशर से ही हो पाता है ये, और अगर आपको इसे साफ करना है सिंपली आप ठोक दें। फिलहाल तो हम इसे साफ कर रहे हैं। सर्विस सेंटर में होता है क्या कि भाई एयर प्रेशर से इसे क्लीन करता है तो ये तुरंत क्लीन हो जाता है। बाकी आप एयर प्रेशर मार मार के इसे क्लीन कर सकते हो भाई, अगर आपके पास है वैसा कोई जुगाड़ तो। बहुत हद तक ये साफ हो गया है, और एक मिनट पकड़ना दे इसको, थोड़ा सा और झाड़ दे एक बार, और डफली वाले जैसा बजा रहे हैं इसको ऐसे ऐसे, इतना साफ होना तो उतना साफ कर दिए इसे। और इसे फिर अपने ही जगह पे एडजस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये जो अप का लोगो है ना, ये ऊपर ही रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, तो इसे अपने लोकेशन पे लगा दिया जाए। एक मिनट, और ये गया अंदर और ये प्रॉपर बैठ जाता है, आराम से बैठ गया। यही क्लिप को आप देख लीजिए इस साइड, ये जो बना हुआ है ना एक्सटेंशन, आपको ये इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, और ये जो पिन निकला हुआ आप सिंपली इसमें ऐसे फंसा दें, ऐसे फंसा के प्रेस करते के साथ ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये तो फाइनली हो गया, और अब इसका बॉक्स लगा देते हैं। हाथ भाई गंदा हो गया थोड़ा, और ये जो दोनों पिन है क्लिप है, ये दोनों इसमें फंस जाएगा, थोड़ा सा दबा के बूम, तो ये अपना लग गया। तो फाइनली इसे साफ करके लगा दिया भाई, और अभी AC चालू कर दिए हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं आया है। घर बैठे आप कर सकते हो। वैसे मेरा 4500 चल गया है गाड़ी, और हमको 5000 पे सर्विसिंग भी कराना है इसका। तो होप मेरा जैसा सिचुएशन है, हमको नहीं लगता है कि ये चेंज करेगा, साफ करके ही लगा देगा। अगर 500 में गंदा हो गया और तो बात अलग है। अगर काम का वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक से एक वीडियो आने वाला है, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। और डेंट पेंट जो है भाई वो हम बहुत जल्द करा लेंगे भाई, दो पॉइंट पे किए हुए और एयर फ्लो और कूलिंग में भी डिफरेंस आया है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से होता क्या है कि थोड़ा तो एयर ब्लॉक करता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।